गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक प्रीपोजिशन इन इंग्लिश ग्रामर ऑफ क्लास फिफ्थ। प्रीपोजिशन में हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, हम सेंटेंस में वर्ड यूज़ करते हैं, इन, ऑन, अंडर, नेक्स्ट टू, बिहाइंड, इन फ्रंट एंड बिटवीन। ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में और इन्हीं वर्ड्स को बोलते हैं हम प्रीपोजिशन। ठीक है, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच शो द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो प्रीपोजिशन है ये एक ऐसे वर्ड हैं जो कि शो करते हैं रिलेशनशिप नाउन का और प्रोनाउन का एंड सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस और कुछ अदर वर्ड्स का जो सेंटेंस में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वेयर इज द बुक, बुक कहाँ रखी हुई है? इट इज़ ऑन द डेस्क, वो डेस्क के ऊपर रखी हुई है। तो ऑन वर्ड हमने यूज़ किया, इट इज़ अ प्रीपोजिशन। तो डेस्क पर क्या रखी हुई है? बुक रखी हुई, तो इट इज़ ऑन द डेस्क। रिधिमा लिव्स इन दिल्ली, रिधिमा कहाँ रहती है? दिल्ली में रहती है। हर मदर इज़ प्राउड ऑफ हर सक्सेस, उसकी मम्मी को उसकी सक्सेस पर बहुत गर्व है। तो ये इन, ऑफ, ये सब क्या हैं आपके? ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो रिलेशन शो करता है नाउन के और प्रोनाउंस के बीच में। इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउंस एंड प्रोनाउंस। ठीक है, तो ये आपका शो करता है प्रीपोजिशन। और कुछ अदर वर्ड सेंटेंस में अगर होते हैं तो उनके बीच का भी ये रिलेशन शो करता है। ये लिस्ट है प्रीपोजिशंस वर्ड की कि जो हम अपने सेंटेंस में प्रीपोजिशंस को यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये हैं आपके कुछ लिस्ट, जैसे कि सामने लिखा हुआ है अबाउट, अबव, आफ्टर, अमंग, अराउंड, अलोंग, एट, बिफोर, बिहाइंड, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, बाय, डाउन, फ्रॉम, इन, इनटू, लाइक, नियर, ऑफ, ऑफ, ऑन, आउट, ओवर, थ्रू, टू, अप, अपॉन, अंडर एंड विद। ये सारी लिस्ट हैं प्रीपोजिशंस की। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? प्रीपोजिशंस हैं। नाउ काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस के जो काइंड्स हैं वो पढ़ेंगे अब हम। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, फर्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। सेकेंड वन इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट। देखो, प्लेस और डायरेक्शन में इंसाइट दिया हुआ है इन्होंने, टाइम एंड डेट। प्रीपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट, जो ट्रैवलिंग का और मूवमेंट का प्रीपोजिशन है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। दीज प्रीपोजिशंस इंक्लूड इन, जो प्रीपोजिशन प्लेस और डायरेक्शन बताता है उसमें कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं? उसमें आते हैं इन, इनटू, एट, ऑन, फॉर, ओवर, अबव, अंडर, बिलो और बियॉन्ड। ये जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे वर्ड्स आते हैं आपके प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और एंड डायरेक्शन। जिस तरह से कैट इज इन द जार, कैट जो है वो जार के अंदर है, द कैट इज इन द जार। द कैट इज ऑन द जार, जो कैट है वो जार के ऊपर है। द कैट इज अंडर द जार, कैट जो है वो जार के नीचे है, एग्जैक्ट उसके नीचे बैठी हुई है। तो वी कैन यूज अंडर हियर, ठीक है, ऊपर है तो वी कैन यूज ऑन एंड अंदर है तो वी कैन यूज इन। ठीक, द कैट इज अंडर द टेबल, दिख रहा है कैट जो है वो टेबल के नीचे है। कैट इज अ नाउन, अंडर इज अ प्रीपोजिशन एंड टेबल इज ऑब्जेक्ट। तो इन तीनों के होने के बाद सेंटेंस क्या हो गया है? कंप्लीट हो चुका है, द कैट इज अंडर द टेबल। तो यहाँ पे नाउन भी है, प्रीपोजिशन भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ये सारे एग्जांपल प्रीपोजिशन के हैं, अंडर, ओवर, इन, ऑन, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड और नेक्स्ट टू। देखो, अंडर मतलब नीचे है वो जो माइज है, ओवर वो बॉक्स के ऊपर है, इन बॉक्स के अंदर है, ऑन, देखो ऑन वो उसके ऊपर रखी हुई है, ओवर मतलब वो उसके ऊपर है, उसके ऊपर एग्जैक्ट उसके ऊपर बैठी नहीं है, वो बॉक्स के डिस्टेंस पर है, देन वी कैन यूज़ ओवर। बट ऑन मतलब वो उसके ऊपर है, इन फ्रंट ऑफ किसी चीज़ के सामने खड़ी है, बिहाइंड उसके पीछे खड़ी है, एंड नेक्स्ट टू जस्ट उसके बराबर में ही खड़ी है। ठीक,
ये इसकी एक्सरसाइज है. फिल द ब्लैंक विद अ सुटेबल प्रपोजिशन. तो ये प्रपोजिशन है सुटेबल. द लंडन ब्रिज इज बिल्ड डैश द थेम्स. कहाँ पर बिल्ड है लंडन ब्रिज? ऑन द थेम्स. द योगा क्लासेज आर हेल्ड डैश द पार्क. कहाँ हो रही है? इन द पार्क. देविका डाइव्ड इन टू द पूल. जो देविका है वो पूल के अंदर छलांग लगा रही है. द क्रिसमस पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज एट द क्लब. जो क्रिसमस पार्टी है वो कहाँ ऑर्गेनाइज की गई है? वो क्लब में ऑर्गेनाइज की गई है. आई एम लिविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया टुडे. वो बता रही है कि वो आज ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल रहे हैं. ठीक, तो ये जो है आपकी एक्सरसाइज है रिलेटेड टू प्रीपोजिशन. इसमें एक वर्ड आया इन और इन टू. इन हम जब यूज़ करते हैं जब हम पोजिशन को शो करते हैं एक ही प्लेस पर. ठीक है, जब हम एक ही प्लेस पर पोजिशन को शो करते हैं. और इन टू तब यूज़ करते हैं बेटा जब हम मूवमेंट शो करते हैं. इन टू जब यूज़ करते हैं जब हम मूवमेंट को शो करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. डाइव्ड कर रही है देविका, कहाँ पर? बाहर की साइड खड़ी होगी, उसके बाद वो उस पूल के अंदर जा रही है. तो ये जो मूवमेंट शो करते हैं ये यूज़ करते हैं हम इन टू. ठीक है जी, मूवमेंट शो हो रहा है ये इन टू है, और जो मूवमेंट ये शो होता है इन, ये एक ही प्लेस की बात कर रहे होते हैं. तो जो योगा क्लासेस हैं वो कहाँ हो रही है? इन द पार्क में, पार्क के अंदर हो रही है. और ऑन जो है, और कीप द प्लेट्स ऑन द टेबल. जैसे कि हम ऑन किसी चीज़ के ऊपर, वो चीज़ बनी हुई है. ठीक, किसी चीज़ के ऊपर बनी हुई है ना, तो वो बनी हुई थेम्स जो है वो लंडन ब्रिज जो है वो थेम्स के ऊपर बना हुआ है. ठीक, तो ये डिफरेंस था इन और इनटू का. ठीक, फिर उसके बाद है बेटा एट, वहाँ पर. फॉर का मतलब होता है के लिए. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट. दीज प्रीपोजिशन इंक्लूड एट, ऑन, इन, बाय, फ्रॉम, टू, टिल, अनटिल, ड्यूरिंग, फॉर, सिंस एंड आफ्टर. जब टाइम की और डेट की बात आती है तो हम ये सारे ही प्रीपोजिशंस को यूज़ करते हैं. ठीक, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज ये है. बाय यूज़ करते हैं हम. बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द मेट्रो हैड लेफ्ट. वो टाइम पर पहुँचे स्टेशन पर और मेट्रो क्या होगी? जा चुकी थी. द फार्मर वर्क्स फ्रॉम डॉन टिल डस्क. जो फार्मर है वो काम करते हैं सुबह से शाम तक. डॉन मतलब मॉर्निंग, डस्क मतलब इवनिंग. तो फ्रॉम मतलब तब से, टिल तब तक. ये टाइम बता रहा है कि वो सुबह से शाम तक. तो फ्रॉम मतलब सुबह, किसी काम का कंटिन्यूस हो रहा है सुबह से होता है. टिल मतलब जब तक, शाम तक वो काम चलता रहता है. माई ग्रैंड फादर गोज़ ऑन अ वॉक. उसके जो दादाजी हैं वॉक पे जाते हैं. आफ्टर डिनर यस्टरडे, सॉरी आफ्टर डिनर एवरी डे. खाना खाने के बाद. आफ्टर वर्ड यूज़ हो रहा है तो खाना खा, आफ्टर मतलब बाद. किसी चीज़ के लिए हम आफ्टर यूज़ करेंगे तो वो बाद के लिए यूज़ होगा. डैश संडेज वी ऑल गो टू द चर्च. सारे के सारे चर्च जा रहे हैं. तो ऑन संडे, संडे को सारे के सारे कहाँ जाएंगे? चर्च जाएंगे. सुष्मिता हैज़ बीन इन बेड डैश मॉर्निंग. अब देखो यहाँ पे सिंस वर्ड यूज हुआ है. सिंस का मतलब होता है एक करेक्ट बात हमें पता होती है. तो जो सुष्मिता है वो सुबह से ही बेड पर लेटी है. एकदम करेक्ट बात हमें यहाँ पे पता थी. सुष्मिता जो है वो सुबह से बेड पर ही लेटी है. प्रीपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट. प्रीपोजिशन का यूज़ होना ट्रैवल और मूवमेंट में. दिस प्रीपोजिशन इंक्लूड्स फ्रॉम, टू, बाय, ऑन, इनटू, ऑन टू, एट, आउट, आउट ऑफ और ऑफ. ठीक, द फाइट डिपार्टेड ऑन टाइम. द अर्ली मैन वॉक्ड ऑन फूट फ्रॉम ऑन प्लेस टू अनदर. द प्ले स्टार्टेड एट 8 PM शार्प. द म्यूजियम इज ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 14 November. ठीक है, क्लियर है. ये ऑन वगैरह हम पहले पढ़ कर आ गए हैं. तो अर्ली मैन वॉक्ड ऑन फूट, पैरों पर चल रहा है, पर फ्रॉम कहाँ से? एक प्लेस से टू अनदर प्लेस. फ्लाइट जो है वो डिपार्टेड हो चुकी है ऑन टाइम, अपने टाइम पर वो जा चुकी है. द प्ले स्टार्ट, प्ले स्टार्ट कितने टाइम पर हो रहा है? 8 पर. म्यूजियम ओपन हो रहा है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे से लेके फ्राइडे तक. ठीक, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन से सेलिब्रेटेड कब होता है? ऑन 14 November. प्रीपोजिशन लिंकिंग लाइक अ हुक एंड आई. इन एंड आउट एंड फॉर एंड बाय. बर्ड इन नेस्ट एंड रोज ऑन ट्री. देखो बर्ड जो है वो कहाँ पर है?
नेस्ट के अंदर है और रोज़ जो है वो कहाँ है, ट्री पर है, ठीक है, ट्री के अंदर नहीं है वो, ट्री पर है। और बर्ड जो है वो एक वो बनाए हुए हैं नेस्ट और वो उसके अंदर बैठी हुई है और जो रोज़ है वो ट्री के ऊपर है। गिफ्ट फॉर यू, तुम्हारे लिए तोहफा है, एंड सिट बाय मी, मेरे पास बैठने के लिए वो बोल रहा है, अपने पास बैठने के लिए वो बोल रहा है। ये एग्जांपल्स हैं सारे आपके सामने, जैसे कि यही है इन, कार के अंदर है, अबव, देखो अबव ऊपर है, बीच में है, ठीक है, आफ्टर है बाद में, ऑन, अंडर, अक्रॉस, बिफोर, बिहाइंड, बिफोर मतलब पहले, जो डॉग है वो पहले है, आफ्टर मतलब ये आगे उसके कैट है और पीछे वो खुद है तो ये इसकी बाद में है, ठीक है, अक्रॉस उसके आमने सामने है, बिहाइंड वो पीछे है, यहाँ पर वो नेक्स्ट टू है, बराबर में है, इन द मिडल वो बीच में है, अमंग है वो, नियर है, इन फ्रंट है, अराउंड भाग रहे हैं वो ऐसे ऐसे अराउंड में, एट सामने है, डोर पर है ना वो अभी, अवे फ्रॉम वहाँ से जा रहा है, बिसाइड बराबर में है, बीनीथ है, एंड आफ्टर दैट आउट बाहर, ठीक है, बीनीथ मतलब होता है ज़मीन के नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, और आउट जो है वो बाहर है। सेम प्रीपोजिशन अगेन, बिसाइड इसमें और क्लियर हो जाएगा आपको, बिसाइड बराबर में है वो, बिहाइंड वो पीछे है, इन अंदर है, ऑन वो किसी चीज़ के ऊपर बैठा है, अंडर ज़मीन के नीचे है और एप्पल उसके ऊपर है और वो उसके नीचे है, इन फ्रंट ऑफ ट्री के ठीक सामने है, आउट ऑफ डैन से बाहर है, ओवर ऊपर है। देखो ऑन और ओवर में कन्फ्यूज़ नहीं होना, देखो ऑन वो बैठा है और ओवर उसके बीच में क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, तो हम तभी यूज़ करते हैं ओवर का। और जब कोई चीज़ वहाँ पर रखी हुई तो जैसे द बुक ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर रखी, जस्ट वो थोड़ी सी ऊपर उसे हम हाथ में उठा लेंगे तो वो ओवर द टेबल हो जाएगी, टेबल पर रखी हुई नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रीपोजिशन एंड नाउन, द कैट वॉज स्लीपिंग ऑन टेबल, ये हमें एग्जैक्ट पता चल रहा है सब्जेक्ट और वर्ब है यहाँ पर, ये नाउन्स हैं एंड देन इट इज़ अ प्रीपोजिशन, ये क्या है, ये प्रीपोजिशंस हैं। द कैट वॉज स्लीपिंग ऑन टेबल, ही लिव्स इन पेरिस, शी लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, ही विल कम इन जनवरी, वेडिंग सेरेमनी विल बी हेल्ड ऑन 20 दिसंबर, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, शी केम बाय बस। ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें शो कर रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रीपोजिशन एंड नाउन, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक प्रीपोजिशन, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।